अब जहां पर सरकार बीजेपी की नहीं थी वहां तो ये कहा जा रहा है कि मोदी का जादू चला, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार थी वहां क्या मोदी का जादू नहीं चला? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम पूरे चीज को एक आंख एक से नहीं आंका जा सकता। देखिए, जहां पर सपा, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब जो सपा ने गलतियां की, सपा ने जो वायदे नहीं किए, सपा ने जो यादवीकरण किया एडमिनिस्ट्रेशन का, उस सबका खामियाजा सपा को उठाना पड़ रहा है। और वहां बीजेपी एक सशक्त चैलेंजर के रूप में उभरी, और मोदी जी की जो स्वीकार्यता थी वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई। एक आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हिंदी हार्टलैंड में, जहां बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग रही है भारतीय जनसंघ के जमाने से, वहां पर आप देखते हैं कि मोदी जी जैसे नेता स्वीकार होते हैं, और अगर आप किनारों पे जाते हैं तो वहां पर मोदी जी की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती जितनी कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी थी पर बिहार में हार गए, उत्तराखंड में देख रहे हैं उसी प्रकार की है। और जितना हिंदी हार्टलैंड, चाहे मध्य प्रदेश है चाहे वो राजस्थान है, वहां पर उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ज्यादा है बजाय और। लेकिन